हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग वर्टिकली सर्कल के बारे में पढ़े थे और उस पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाला गया था और किसी भी पॉइंट पे कितना काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बारे में निकाले थे और जो होल सिस्टम था वो कंजर्व्ड था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के बारे में देखेंगे कि अगर कोई स्प्रिंग है तो उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं है। और अगर कंजर्व्ड है मतलब कि जो एक्सटर्नली फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है उस पर, क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड हो जा रहा है तो क्या होगा, मतलब हमारा जो वर्कडन है वो कैसा हमारे पास में बन के आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे हम लोग कार जो रहते हैं, कार मैन्युफैक्चरर वाले रहते हैं, वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कैसे सेफ्टी देखते हैं कि अगर कोई मतलब कार है उसको जब बनाया जा रहा है और किसी चीज़ से वो जाके टकराए तो कार पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसको कैसे चेक किया जाता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए समझ लीजिए कि अगर मेरे पास में कोई स्प्रिंग है इस टाइप से, ये ठीक है, और इस पे एक ब्लॉक को मैंने ऐसे लगा दिया। अब इस ब्लॉक पे मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। फोर्स मैं कैसे भी लगा सकता हूं, देखिए, चाहे मैं इसको इधर धकेलूं तो ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, या फिर इस ब्लॉक को मैं इस साइड में फोर्स लगाऊं तो ये स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच होगा। ठीक है, अब इस पे क्या करना है कि ये स्प्रिंग को देखना पड़ेगा हमको, तो इसका जो फोर्स है वो कैसा रहता है। तो फोर्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, फोर्स ऑफ एस, एस स्टैंड फॉर स्प्रिंग, इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो के क्या है इस जगह पे, क्रे है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब कि जो हमारा स्प्रिंग है वो कैसा है, उसका मटेरियल क्या है, ये सब चीजें इस पे आती है। ठीक है, फिर उसके बाद x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये माइनस सिंबल क्यों लगाया गया, तो माइनस सिंबल का मतलब होता है कि जो भी फोर्स इस पे हम अप्लाई करेंगे, जो भी फोर्स, मान लीजिए कि इसको मैंने ऐसे कंप्रेस्ड किया, ठीक है, तो कंप्रेस्ड जब मैंने किया तो ये स्प्रिंग पे, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। ठीक है, और उल्टा लगाएगा, और उल्टा लगाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो जरूर माइनस होगा। एक ये तरीका है समझने का। दूसरा ये तरीका है कि इसे हम हुक्स लॉक के तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रिंग पे जब मैं कंप्रेशन करूंगा तो ये क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, जैसे ही इस पे हम अप्लाई करेंगे इधर से फोर्स, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। रिस्टोरिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सॉलिड करके जो चैप्टर है, सेवन यूनिट है शायद, उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस पर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ इसको समझिए कि अगर मैं इसको कंप्रेस करूँगा तो इस पर जो एनर्जी, मतलब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब हमने जो फिट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, इस पर रिवर्स पे फोर्स लगाने के लिए वो एनर्जी का यूज़ करेगा और उल्टा लगाएगा। तो नेगेटिव सिंबल आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे है, रिस्टोरिंग फोर्स जो अपोज में लगेगा। तो अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा अगर इधर फोर्स लग रहा है तो ये स्प्रिंग का फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। देखिए, स्प्रिंग का फोर्स जो है वो इस साइड लगेगा। अगर मैं इसको इस साइड फोर्स लगा रहा हूँ, राइट साइड में अगर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो एफ एस है वो उल्टा लगेगा, मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई करूंगा उसके अपोजिट में ये एफ एस मिलेगा हमको। ठीक है, ठीक, तो यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग का फोर्स। अब हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ वर्क डन। तो इस पे अगर मैं वर्क डन मेरा मिलेगा हमको, मान लीजिए कि दिस इज द जीरोथ पोजिशन। ठीक है, अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, मान लीजिए, देखिए इस टाइप से, ये इसकी जीरोथ पोजिशन है, ठीक है, और मैंने इसको इस साइड में फोर्स लगा के धकेला। देखिए, इस साइड एफ ऑफ एम मान लीजिएगा इसको,
तो रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड में लगने वाला है? रिस्टोरिंग फोर्स आपका F ऑफ S इस साइड में लगेगा, ओके है, ठीक है। ये आपका ब्लॉक इससे टच है ना, तो मैंने इसको इस टाइप से बना लिया है भले, पर ये इससे टच है। फ्रिक्शनल फोर्स को अभी आप नेग्लिजिबल मान के रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है अभी? जीरो, ठीक है, ठीक। देखिए इधर लग गया, अब ये जीरो है, तो ये जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इसको आप xm मान लीजिएगा, और इधर का डिस्टेंस को आप माइनस xm मान लीजिएगा एग्जांपल पे। तो देखिए अब मैंने इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कराया, क्या कराया इसको? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करवाया। तो अगर ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो देखिए इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट किया जब, तो मेरा फोर्स किस साइड में लग रहा है? इस साइड में लग रहा है, नेगेटिव साइड में लग रहा है, इस साइड अपोजिट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अगर मैं एक्सएम को इस साइड शिफ्ट करूं, कंप्रेस करूं, तो मेरा एफएस किस साइड में लगेगा? मेरा एफएस जो है वो इस साइड में लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिया जाता है। तो देखिए वर्कडन कैसे करते हैं, तो अगर मैं वर्कडन नॉर्मली एक फॉर्मूला बनाता हूं एक वर्कडन का कि पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का कितना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको जीरो से इस पोजीशन पे लेके आऊंगा और जहां पास पे भी इसको रोक दूंगा मैं, उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इक्वल टू हमारा जो वर्कडन है वो कितना आएगा देखिए, तो वर्कडन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू एक्स एम फोर्स ऑफ एफ एस, यही होगा डॉट डी एक्स, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफ एस फोर्स के कारण। ये जो हमारा वर्कडन हो रहा है वो स्प्रिंग के कारण हो रहा है, ठीक है, हमारे कारण नहीं, अभी स्प्रिंग के कारण कितना होगा, ठीक है। एफ एस कितना है? एफ एस है माइनस ऑफ के एक्स डॉट डी एक्स जीरो टू एक्स एम, की जो है वो कांस्टेंट है, तो माइनस के को आप बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स एम एक्स डॉट डी एक्स माइनस के, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऊपर आएगा xm 0, तो आएगा माइनस k, x के जगह में xm पुट कर दीजिएगा, तो xm स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 0, आंसर आएगा माइनस k xm स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो वर्क डन हो रहा है हमारा माइनस k xm स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये वर्कडन एस होगा और ये माइनस में हुआ है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस पे वर्कडन इस साइड कर रहा हूं तो ये इस पे स्प्रिंग जो है वो वर्कडन इसको इस साइड करेगा, अपोज में करेगा, ठीक है। तो कब हमारा जो वर्कडन है वो पॉजिटिव, मतलब कि जो फोर्स है वो पॉजिटिव, और कब हमारा जो फोर्स है वो नेगेटिव कहलाएगा, उसको समझिए, बहुत सिंपल सी बात थी। तो कब होता है देखिए, अगर मैं एक्स को पॉजिटिव में लेके जाता हूं तो ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा जब x मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब इसको मैं अगर x के इधर ले जाऊं, देखिए इस तरीके से इसको मैं अगर रेफरेंस मानूं जीरो, ठीक है, तो देखिए अभी x जो है मेरा इस पोजीशन पे आया है, मतलब कि नेगेटिव हो गया है। अगर मेरा x को मैं नेगेटिव कर दूं तो मेरा fs किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इस तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है। अभी ये वर्क डन है, अब इसको अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में चाहता हूं तो मेरा वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी बनता है, पर एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, कोई डायरेक्शन तो बताता नहीं है, ठीक। तो अगर ऐसा होता है तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, मान लीजिए वी ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स डिस्प्लेसमेंट के कारण जो भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी बना है वो कितना बना? तो वो बनेगा के एक्स स्क्वायर एम डिवाइड बाय 2। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब देखिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं? हमारा जो ये वर्कडन है, इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर मानना चाहता हूं मैं, तो इसको मैं बाय द एरिया मेथड से भी निकाल सकता हूं। देखिए कि वो एरिया मेथड कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको यहीं पर बताता हूं, आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इस टाइप से निकालिए, इसको अगर आप एफ एस मान लें, ठीक है, इसको आप प्लस एक्स एम, इसको आप माइनस एक्स एम मान लें, ठीक है, ये लकीर कुछ इस तरीके से बनता है ये वाला ग्राफ। इसका मतलब ये है कि जब ये माइनस एक्स एम था, मतलब कि जब ये माइनस एक्स एम था तो एफ एस पॉजिटिव है, तो देखिए एफ एस पॉजिटिव की तरफ में है, ठीक है। जब एक्स एम पॉजिटिव था, जब एक्स एम पॉजिटिव था तो फोर्स नीचे की तरफ है, इधर नेगेटिव की तरफ है, मतलब अपोजिट, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया,
तो इसको ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो ये एफ एस ए वाला हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वर्धन कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये नेगेटिव एफ एस हो गया। अगर मैं देखिए ये एरिया एक बनाता हूं कि मतलब यहां तक मैं एक्सएम लेके जाता हूं और इस पर ट्राइंगल का फॉर्म लगाता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देखिए एरिया का फॉर्मूला कितना निकल के आता है, हाफ बेस, बेस कितना है xm और हाइट कितनी है fs, ठीक है। तो हाफ xm है, ठीक है, xm, fs कितना है माइनस k ऑफ x, इतना ही है, xm ही मान लीजिए वो भी, ठीक है। ठीक है, तो xm xm x स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आएगा, हाफ ये माइनस बाहर k एक्स एम स्क्वायर, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों आपको सेम मिलने वाला है। तो आप इसको दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो आप ट्रायंगल के मेथड से, एरिया के मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही वर्कडन है और जो भी वर्कडन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकालता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए कि मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसको इस साइड में धकेल दिया, ठीक है, फोर्स लगा के इस साइड शिफ्ट कर दिया, जब मैंने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया तो इसका से पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये इसको इस साइड खींचने की कोशिश करेगा। जब ये इसको इस साइड खींचने की कोशिश करेगा तो हमको ये पता करना है कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी इस पे बना था तो काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, और मैक्सिमम हमको जो वेलोसिटी है, मतलब कि जब ये इधर मोशन में आएगा ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स के कारण, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेंड होगा, मतलब कब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, इन चीजों को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको फिर रफ कर देता हूं। देखिए इसको अभी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लेके आएंगे। पहले देखिए किस टाइप से करते हैं इसको, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि टोटल जितना भी एनर्जी उसके में है, तो मान लीजिए कि इसके पास में टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर एम एनर्जी है। जब मैं क्या किया, इस बॉक्स को मैंने इधर शिफ्ट किया, मान लीजिए कि ये जीरो पोजीशन है और ये एक्सएम पोजीशन, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैंने रिलीज कर दिया, मान लीजिए अब मैंने इसको जब रिलीज किया तो ये इस साइड में मूव होगा, ठीक है। ठीक है, तो जब ये इस साइड मूव होगा, मान लीजिए कि ये इस पोजिशन पर पहुंचा, जब ये इस पोजिशन पर पहुंचा तो इसके पास अभी भी पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लीजिए यहां से यहां तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट बचा है वो है x, अगर x डिस्प्लेसमेंट बचा है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बचा है, तो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी बचा होगा, ठीक है। तो अब इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी से कैसे लिया जाएगा, इतना एनर्जी बचा है कौन सा पोटेंशियल वाला और टोटल इतना था, तो बाकी एनर्जी कहां गई, बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनता है आपका, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहता हूं कि कब मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो उसको समझने के लिए देखिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिला है ये किसके कारण मिला है, ये वर्कडन करने के कारण मिला। तो जब मैंने इसका वर्कडन इधर किया तब इसको पोटेंशियल एनर्जी वो है मिली, ठीक है। तो वर्कडन जीरो कब होगा इसको समझिए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मैंने फोर्स लगाया और वो फिर से उसी पोजिशन पे आ गया, जैसे मान लीजिए कि ये इसका इनिशियल पोजिशन था एक्स आई और ये इसका फाइनल पोजीशन था एक्स एफ, ठीक है, और मैं वर्कडन चाहता हूं एक्स आई टू एक्स एफ तक, और ये बनेगा माइनस के ऑफ एक्स डी एक्स, यही बन के आएगा। तो अगर एक्स एफ फिर से आके फिर से एक्स आई पे आ गया तो इसका मतलब है कि एक्स आई और एक्स एफ सेम हो जाएगा, मतलब दोनों की जो पोजीशन फिर सेम हो जाएगी, एक्स एफ तक गया और फिर से रिटर्न आके एक्स आई पे रुक गया, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू लिमिट ऑफ एक्स एफ एक्स आई, तो ये बनेगा के एक्स एफ स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस एक्स ऑफ आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा के ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस के एक्स ऑफ एफ स्क्वायर बाई टू, जिसमें एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ जब हो जाएगा तो ये भी एक्स आई हो जाएगा, तो टोटल इक्वल टू जीरो। तो मेरा जो वर्कडन है वो कितना हो जाता है, वर्कडन मेरा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा, जब ये इस पोजीशन पे यहाँ आया तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्कडन कितना हो गया उस टाइम पे, जीरो हो गया। तो क्या ये इस पोजीशन पे आके रुक जाने वाला है, नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनर्सिया, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, इसने कुछ मोशन को एक्वायर्ड कर लिया है, तो ये रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। हमने रियल लाइफ में इसको देखा भी है, करके आप देख सकते हैं, कोई भी एक चीज को लटका दीजिए इसे एक्स्ट्रा से रखिए, ठीक है, और उसको खींचेंगे तो वो वापस खिंचाता है ऐसे, और ऐसे झटका पड़ता है। आप किसी रबड़ को ऐसे खींचेंगे, देखिए, ठीक है, छोड़ेंगे तो जिस पोजीशन से आपने इसको खींचा था उसी पोजीशन पे जाके नहीं रुकेगा, वो आगे जाके आप ही को लग जाता है, देखा होगा आपने। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर आप मान लीजिए कि जीरो हो भी गया है, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है और जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में है, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू मैं जीरो मान लेता हूं, मतलब कि यहां तक डिस्प्लेसमेंट करा के फिर से इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो ये वाले जो टर्म है, ये x टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा आगे जाके, जीरो। तो जब ये जीरो होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर एम इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एम मान लीजिएगा। इस टाइम पे m का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, कब होगा, जब ये जीरो पोजीशन पे आएगा, मतलब इस पोजीशन पे जब वो आएगा, ये जो बॉक्स रखा गया है, ये जब जीरो पोजीशन पे आएगा तो उस पोजीशन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी था वो टोटली कन्वर्टेड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इसमें से टू और टू कैंसिल कर दीजिएगा आप, तो के एक्स स्क्वायर एम इक्वल टू एम वी एम स्क्वायर, तो वी एम के लिए क्या आएगा, तो के अपॉन एम एक्स स्क्वायर एम Vm स्क्वायर, तो Vm कितना आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा k अपॉन m x स्क्वायर m, ठीक है, ये अंडर रूट को हटाएंगे तो ये इधर जाएगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट इधर चला जाएगा, ठीक है। इस पे ये जो k अपॉन m है, इसकी जो डायमेंशन वैल्यू है टी टू द पावर माइनस टू रहने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी है, देखिए बाहर निकलेगा तो माइनस टू बन जाएगा, ये x डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर पर सेकेंड टू द पावर माइनस वन वेलोसिटी जो होता है वो डायमेंशन हमको मिलने वाला है, तो डायमेंशनली ये जो वैल्यू हमको मिल रही है वो करेक्ट है, ठीक है, ठीक। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई कार है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग वाले यूज करते हैं, और उनको चेक करना है कि जो गाड़ी है, जो कार है, उस पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है अगर वो सामने कुछ चीजों को ठोक देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अब सामने डैमेज हमको नहीं ही करना है, आज के डेट में तो क्या होता है कि टोटली डैमेज करके ही देखते हैं, तो हम चाहते हैं बार बार तो अब गाड़ी को बर्बाद नहीं कर सकते ना मैन्युफैक्चरिंग वाले, नहीं तो मैन्युफैक्चर वाले ही बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, तो बार बार तो हम डैमेज करके देख नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं स्प्रिंग का, और बार बार उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे इस टाइप से, तो किससे, गाड़ी से, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कार है वो डैमेज भी नहीं होगी, और हमें पता भी चल जाएगा कि जो कार है उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है बाय द स्प्रिंग के मदद से, समझ रहे हैं बात को, सामने एक स्प्रिंग रखा हुआ है और कार को आप कोई भी वेलोसिटी से जाके ऐसे ठोकेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो स्प्रिंग पे कितना पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, क्योंकि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण उतना ही फोर्स जो है वो उसको रिवर्स में लगाएगा, तो इससे ये पता चलेगा कि जो कार है आपका वो कितना मतलब फोर्स ले सकता है, मतलब कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा, कितना क्षमता उसके अंदर है कार के अंदर कि वो उसको अब्सॉर्ब करके रोक पाएगा, इस टाइप से सिस्टम को बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं एक फ्रिक्शन लेस जमीन को पकड़ूं, ठीक है, तो
मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो स्प्रिंग है, वो कितना अंदर जाएगा, ठीक है, उसी की मदद से तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स एम होता है। तो अगर मुझे एक्स एम पता चल जाए तो मुझे यह भी पता चल जाएगा कि स्प्रिंग पे कितना फोर्स बन रहा है, और उतना ही फोर्स वो हमारे कार पे भी लगाएगा। कि हम पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि स्प्रिंग तो हम ही लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज, जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि पहले इसको फ्रिक्शन लेस माना गया, दूसरे टाइम पे इसको फ्रिक्शन वाला बनाया गया है। मतलब कि अगर इसमें कोई जो रोड है जिस पे गाड़ी चल के जा रही है उस पे अगर कुछ फ्रिक्शन आ जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, फ्रिक्शन लेस में कितना होगा, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाए जिसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो कितना होगा, क्या जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम तो फोर्स भी कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमको देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला मास ऑफ द कार 1000 केजी की, जो कार है हमारी जो 1000 केजी की है जिसपे हम उसको स्पीड से ले जा रहे हैं 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने से 18 को तो 18 इंटू 5 बाई 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कैंसिल 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी जो कार की स्पीड है वो है, ठीक है। तो के जो स्प्रिंग है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है 6.25 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर, मतलब हर मीटर पे 6.25 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है वो स्प्रिंग, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एम फाइंड आउट करना है हमको, कि कितना स्पीड, इतना स्पीड से करें अगर हम गाड़ी को ले जाएंगे, इतना केजी का मास का है तो वो कितना मीटर तक दबा पाएगा या कितना डिस्प्लेसमेंट करा पाएगा स्प्रिंग को, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बना हुआ है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या है, 2kx² m = ½mv² यही है, ठीक है। हाफ टू टू कैंसिल कर दीजिएगा, हाफ सॉरी माय मिस्टेक, m मास कितना है 1000, मतलब 10^3 इंटू वी, वेलोसिटी कितना है 5 × 5, ठीक है। और k की वैल्यू नीचे ले जाए 6.25 × 10^3 इतना ही होगा, ठीक। x² m इसमें से ये कैंसिल और ये कैंसिल, 5 × 25 divided by 6.25, ठीक है, ठीक है। इसके दो जीरो हमको ऊपर लगेंगे तो 25 divided by 625 × 10^2 ये स्क्वायर, ठीक है, 25 1 जा 25 25 जा यही होने वाला है, ठीक है। तो 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। तो x² m, तो x^m √4, तो ये आएगा 2 मीटर, इतना ही आएगा, ठीक। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2 मीटर आ रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको इतनी वेलोसिटी से कार को लेके जाऊं जिसका मास 1000 केजी का है तो वो स्प्रिंग को 2 मीटर तक कंप्रेस कर देगा, ठीक है। तो अगर 2 मीटर तक कंप्रेस कर देता है तो उसका फोर्स हमको निकाल सकते हैं हम इजिली कि कितना फोर्स हमारे अंदर जनरेट हुआ। हमको फाइंड आउट करके एक्शन करना था, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप निकालना चाहते हैं तो 2 × इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप आराम से इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना मिला है। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी जो भी मिलेगा आप इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। पॉइंट ये था कि वो स्प्रिंग को कितना डैमेज करेगा, मतलब कि उसको कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसी हिसाब से जो गाड़ी का जो सामने का स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा डैमेज होगा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले तो ये पॉइंट निकल के आता है। तो देखिए गाड़ी को ऐसा बनाया जाता है कि सामने का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में डैमेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं बोल सकते पर डैमेज होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई डैमेज नहीं होता है, ठीक है, तो अगर वो डैमेज नहीं होता है तो वो पूरे एनर्जी को क्या करेगा, वो एनर्जी को हमारे अंदर जो गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं
उसके अंदर वो एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा, और जिससे गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो ज्यादा से ज्यादा झटका लगता है। तो गाड़ी को ऐसा बनाया जाता है कि गाड़ी बाहर से ही डैमेज हो जाए। मान लीजिए कि अगर यहाँ पास में कोई वॉल है और यहां से समझ लीजिए कार इस टाइप से आ रही है और जाके इसको यहाँ पास में हिट किया, तो एक कोशिश ये रहती है कि मान लीजिए कि इस टाइप से ये जो कार है हमारे पास में, ठीक है, इतना चल गया, ये क्या होगा, ये डैमेज होगा और ये कंप्रेस होके इतना तक चला जाएगा। जब ये कंप्रेस होगा तो ये एनर्जी को भी ऑब्जर्व करते जाएगा, और जब ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा इस पोजिशन तक, तो ये एनर्जी हमारे जो पैसेंजर बैठे इनके पास तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसके कार के अंदर में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो सेफ रहेंगे। पर ऐसा भी नहीं बनाया जाता है कि ये पूरा डैमेज हो जाए और जितना भी डैमेज हो रहा है वो पर्सन तक पहुंच जाए। तो इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं उन लोग खास कर चीजों को ध्यान देते हैं। जो सस्ती गाड़ियां हैं जैसे कि आप मान सकते हैं एल्टो 800, गाड़ी का नाम नहीं बोल सकते हैं, कोई भी आप ऐसी सस्ती गाड़ियां जो इन चीजों को ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि वो क्या करते हैं कि मिडिल क्लास जो बोलते हैं हम लोग, जैसे कि मैं मिडिल क्लास से हूं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए सस्ती गाड़ियां मतलब कि ठीक है सेफ्टी चाहिए बट हमको पोसाई भी तो होना चाहिए बोलते जिसको, कि हम खरीद भी तो पाएं। पता चला इतना से सेफ्टी मेजर्स यूज करके कार बनाई और इतनी महंगी बन गई कि कोई यूज ही नहीं कर पा रहा मिडिल क्लास। तो इन चीजों पर अगर सस्ती गाड़ी लेते हैं तो सेफ्टी का मेजरमेंट थोड़ा सा डाउन कर देते हैं उन लोग, पर जो टाटा कंपनी है वो सस्ती गाड़ियों में भी इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रख रही है एज कंपेयर टू द अदर कंपनी। ठीक है, तो कभी गाड़ी खरीदने का मन हो तो इंडियन गाड़ी खरीदिएगा और टाटा। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल। अब देखिए क्या करना है हमको। अब हमको मान लीजिए कि जो कार है, कार का कुछ तो मतलब एक फ्रिक्शन बन रहा है। अगर फ्रिक्शन बन रहा है तो मान लीजिए कि फ्रिक्शन जो है वो कितना बन रहा होगा, तो मान लीजिए कि जो फ्रिक्शन है वो 0.5 बन रहा है, 0.5। ठीक है, फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या तरीका है हमारे पास में, फोर्स को जो निकालने का तरीका होता है वो एफ एस जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू ऑफ आर। पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा जरूर, लॉ ऑफ मोशन में आपने इसको जरूर देखा होगा, फ्रिक्शन का जो टॉपिक हम लोग का है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स कितना होता है, किसके बराबर होता है, ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो हमारा फॉर्मूला कितना आएगा, म्यू एम जी, इतना ही फोर्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एफ एस निकलेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन कर रहा होगा, ये भी तो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा होगा। तो वर्क डन करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का स्प्रिंग का नहीं ना, ठीक, तो एफ एस ले लीजिएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एफ ही ले लेते हैं ना फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से, तो कितना लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ ऑफ एफ डॉट dx, इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा या जितना भी डिस्प्लेसमेंट, dx आप जो भी मान सकते हैं, dx मतलब कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, चाहे तो आप इसको x भी ले सकते हैं, तो इतना डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। ठीक है, fs कितना है, म्यू एम जी डॉट x, इतना ले लीजिए। तो देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना वर्क डन करता है, इसको इसलिए लिया जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम है, ठीक है, जैसे कि देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी का थ्योरम जो लगाए थे, इस मैकेनिकल एनर्जी पे ये सूटेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको यहां पर लेके आऊंगा, देखिए तो टोटल जो एनर्जी है फ्रिक्शनल प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी, उस पर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। टोटल एनर्जी जो है, जो भी मैकेनिकल सॉरी जो भी पोटेंशियल एनर्जी हमारा बन रहा है, वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर नहीं कर पाएगा तो ये फॉर्मूला सूटेबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी तो अप्लाई हो जा रहा है वहां पास में, और इतनी एनर्जी, इतना वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स ही कर दे रहा है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने देना जाता है, और रियल लाइफ में ऐसा होता है। अभी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक स्प्रिंग लीजिए, उस पर कुछ चीज को आप कोई भी बॉल ले लीजिए, किसी भी चीज को बांध दीजिए और इसको इस तरीके से खींचिए। जब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो देखेंगे आप कि छोड़ने के बाद जो बॉल है जिस पोजीशन पर रखा गया वहां एक मार्क कर दीजिएगा, तो उसी पोजीशन पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाता है, तो उसके पास में उतना पोटेंशियल एनर्जी, उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं बन पा रहा है। जब वो उतना नहीं बन पा रहा है मोशन पे इतना, ठीक है, तो क्या हो रहा है, धीरे 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 वो डाउन होते जाता है। तो यहां पास में क्या आता है, यहां पास में एयर रेजिस्टेंस आता है जो कि बॉल को रोकता है। ठीक है, उतना पोजीशन तक नहीं जाने देता, उतना पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनने देता, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है,
पूरा और पोटेंशियल फिर बाद में पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है हमको, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना बन रहा है और उसके कारण जो वर्क है डन हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी वो कितना बन के आएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो कितना आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के एफ माइनस के ऑफ आई। तो देखिए अब मान लीजिए कि ये कार थी हमारी, कार नहीं बन पाता है भाई, ठीक है ये कार थी, अब इसको मैंने फोर्स लगाया धक्का पड़ा और ये इधर गया और कार जाकर रुक गई फाइनली, तो फाइनली जाकर अगर रुकेगी तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी उसकी, जीरो होगी, उस टाइम पे उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जब जीरो होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियली जो भी होगा हमारे पास में तो डेल ऑफ के कितना आने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर, इतना ही आने वाला है। ठीक है, अब वर्क डन, जो हमारा जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए देखिए ये कार है, ये इधर कंप्रेस्ड, इधर इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब ये इधर कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस मोशन के कारण ये यहां पास में टकराया, हिट किया, अब इससे फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क डन कर रहा है और ये जो स्प्रिंग है यहां पास में वो भी लगा रहा होगा उल्टा में, उल्टा पोटेंशियल एनर्जी बना रहा होगा ना, उल्टा वर्क डन कर रहा होगा, तो वर्क डन किधर लगा, इस साइड में। अब मोशन, गाड़ी की मोशन इस साइड में है तो फ्रिक्शन फोर्स भी किस साइड लगेगा, इस साइड, तो दो फोर्स हमारे बने हैं आपस में, या दो वर्क डन हम बोल सकते हैं, पहला एफ ऑफ एफ फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो बन रहा है, जो कि ये वाला बनेगा म्यू एम जी एक्स, जो कि इसके अपोजिट में है मोशन के, तो इसको नेगेटिव ले सकते हैं, और एक वर्क डन हमको बनेगा स्प्रिंग के कारण, ये भी वर्क डन बनेगा एफ ऑफ एफ और एक बनेगा स्प्रिंग के कारण, तो टोटल जो वर्क डन है वो कितना आएगा, देखिए हाफ ऑफ के ऑफ एक्स स्क्वायर एम, यहां से यहां तक का पोजीशन एक्स एम ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक, माइनस कितना ये वाला, सॉरी ये वाला वर्क डन, तो कितना आएगा माइनस म्यू एम जी ऑफ एक्स, इतना ही आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर ये यहां तक आ रहा है तो जो फ्रिक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, वो भी यहां से यहां तक xm हुआ है, तो इसको भी आप क्या मान सकते हैं xm, तो इसको भी क्या मान सकते हैं xm, और ये जो भी वर्क डन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण, तो ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर होने वाला है कि नहीं होने वाला, होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को आप रिलेट कर दीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम का वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो है डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल के, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला आएगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो हाफ के ऑफ एक्स स्क्वायर एम प्लस म्यू एम जी एक्स ऑफ एम, माइनस और माइनस कैंसल, फॉर्मूला आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ऑफ एक्स स्क्वायर एम प्लस म्यू एम जी एक्स ऑफ एम। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स ऑफ एम। अगर इसको मैं एक सिंपल फॉर्म में लेके आता हूँ इक्वेशन को, देखिए इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो कितना आएगा, हाफ के ऑफ एक्स स्क्वायर एम प्लस म्यू ऑफ एम जी एक्स एम माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका मैं एलसीएम लूंगा तो इसका टू जाके इधर जीरो को खत्म हो जाएगा और इसके साथ में टू ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो थोड़ा जगह बना लेते हैं। देखिए तो इसको अगर मैं लेता हूँ एलसीएम लेके तो ये आएगा के ऑफ एक्स स्क्वायर एम प्लस टू ऑफ म्यू एम जी एक्स ऑफ एम माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक, अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर, एक्स एम और यहाँ एक्स नहीं है, तो देखेंगे अगर इसको आप ध्यान से इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आपको किस तरह का दिखाई देगा, तो ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिखाई देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए
टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, देखिए कैसे यूज करते हैं। और हमको निकालना क्या है, एक्स ऑफ एम। तो एक्स ऑफ एम इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है यहाँ पास में, तो इसको छोड़ के बाकी पूरा है, तो माइनस टू म्यू एम जी। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को जो ले रहे हैं हम, इस इधर से इधर ले रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव में ले रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में अगर ले रहे हैं हम तो क्या लेंगे, पॉजिटिव में ले रहे हैं तो पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि फोर म्यू स्क्वायर एम जी स्क्वायर। ठीक है, माइनस फोर ए कितना है, ए है हमारा के, सी कितना है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ए कितना है के, यही है। ठीक, देखिए फोर इसमें भी फोर इसमें बाहर निकलेगा, अंडर रूट के अंदर टू, माइनस टू म्यू एम जी प्लस टू बाहर निकलेगा, तो म्यू स्क्वायर एम जी स्क्वायर माइनस के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू के, टू इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकाल के तब भी कैंसिल कर सकते हैं। फाइनल जो हमारे में एक्स एम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस म्यू ऑफ एम जी प्लस म्यू स्क्वायर एम जी स्क्वायर माइनस के ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं अभी नहीं करूंगा, आपको करके बताना है, ये आपका होमवर्क है, समझ लीजिए तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसका कैलकुलेशन करते बैठूंगा तो टाइम निकल जाएगा और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मुझे आंसर जरूर बताइएगा इसका। वैसे एज पर द एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर अराउंड 1.35 समथिंग कुछ है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो पॉइंट ये है इसमें कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है, कि जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया ना यहां पास में, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर आ जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो फोर्स जो हमको लग रहा है या फिर गाड़ी पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो भी कम होगा। तो अगर हमारी जो कार है, अगर रोड बहुत अच्छा है, एक एग्जांपल मान लीजिए, अब पूरा चीज तो गाड़ी पे बन हम लोग रख नहीं सकते ना, मेन चीज क्या है कि हमारा जो रोड, हमारे जो इंडियन रोड से, उस पर भी तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। तो अगर गाड़ी जो है हमारी चल रही है, पहला काम तो था कि जो कार मैन्युफैक्चरर है उसको उस टाइप से सेफ्टी से बनाना, पहला चीज। दूसरा, अगर जो कार है वो किसी चीज को जाके हिट करती है, ठीक है, तो जब मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद जब वो इसको हिट करेगा तो वो कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब कितना फोर्स से जाके कार उसको हिट करेगा, तब ना वो रिवर्स पे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स लगाएगा और गाड़ी पे कितना डैमेज होना है वो डिसाइड होगा, तो वो सब फ्रिक्शन फोर्स पे आ जाता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाए उस पॉइंट पे, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज तो जो स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी कार पे कम लगेगा और कार की जो डैमेज है वो भी कम होगी। समझ रहे हैं बात को। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो टोटली पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज पे वो चल रहा है। ठीक है, ठीक। तो आई होप आपको ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग समझ में आ गया होगा, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड हो जाए तो कैसे कैलकुलेशन को करना है वो भी समझ में आ गया होगा। इसका कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। और अगर कोई डाउट आ रहा है मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप जरूर पूछिएगा। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारा चैनल आपको बेनिफिट दे रहा है या कुछ भी प्रॉफिट होता है आपको, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।